तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में राजस्थान विद्युत का एक पेपर देख रहे थे। उसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग मतलब 50 क्वेश्चन तक किया था। तो इस पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैकल्पिक को किसमें रेट किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा दिख रहा है। तो इसमें वैकल्पिक को किसमें रेट, तो यहाँ पर इसके आंसर के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर आंसर दिया है KVA। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं अल्टरनेटर की रेटिंग पूछ रहा है या आपकी रिएक्टिव पावर की। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा KVA। अगला है, अल्टरनेटर में पार्टियर त्रिकोण का उपयोग निर्धारित करने के लिए रहता है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर में जो पार्टियर त्रिकोण का उपयोग होता है वो वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या ज्ञात करने के लिए जाता है? वोल्टेज रेगुलेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक अल्टरनेटर में के अंधेरे और उज्जवल लैंप विधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर में जो अंधेरे और उज्जवल लैंप विधि का प्रयोग होता है वो सिंक्रोनाइजिंग के लिए किया जाता है। तो इसको अंधेरे और उज्जवल विधि का जो बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं उसको डार्क लैंप विधि। तो इसको हम लोग विधि ज्ञात करने के लिए करते हैं, सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए ज्ञात किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अल्टरनेटर की घुमाव विद्युत रूप से 60 डिग्री से 60 पिच है। तो इसका पिच कारक होगा दोस्तों, इसका पिच फैक्टर पूछा है। तो दोस्तों, पिच फैक्टर होता है KP इक्वल टू कास अल्फा बाई टू। तो कास अल्फा बाई टू का मतलब है 60/2। तो cos 30 का मान आपका होता है 0.866। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 0.866। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पिच कारक EMF का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पिच फैक्टर का EMF अनुपात होता है 60 पिच से, मतलब ये जो KP होता है 60 पिच में इंड्यूज EMF और अपान फुल पिच में इंड्यूज EMF का अनुपात क्या बताता है, पिच फैक्टर कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक अल्टरनेटर को अधिक उत्तेजित कहा जाता है जब यह पावर फैक्टर पर चलता है। तो दोस्तों, अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है, अधिक उत्तेजित मतलब ओवर एक्साइटेड, तो इसका पावर फैक्टर होता है आपका लीडिंग। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों, अगर यहीं पर अल्टरनेटर ना होकर सिंक्रोनस मोटर हो जाएगा तो उसका पावर फैक्टर ओवर एक्साइटेशन कंडीशन में या अधिक उत्तेजित में क्या हो जाएगा, लैगिंग। तो अल्टरनेटर और सिंक्रोनस एक दूसरे के ठीक विपरीत होते हैं। जैसे अल्टरनेटर का हो जाएगा ओवर एक्साइटेड में लीडिंग, तो अंडर एक्साइट अधिक उत्तेजित का जब, दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अल्टरनेटर पूछा है। तो अल्टरनेटर में अधिक उत्तेजन में ये पावर फैक्टर होता है लैगिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा लैगिंग, ये लीडिंग होगा सिंक्रोनस मोटर के लिए। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको सही कर लीजिएगा। ये अल्टरनेटर का पूछा है तो अल्टरनेटर ओवर एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर होता है, सिंक्रोनस मोटर का ओवर एक्साइटेशन में लीडिंग होता है, और अल्टरनेटर का अंडर एक्साइटेशन में लीडिंग और सिंक्रोनस मोटर का अंडर एक्साइटेशन में लैगिंग। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर का निर्माण किसके समान है। तो दोस्तों, सिंक्रोनस मोटर जो होता है अल्टरनेटर के समान होता है। जैसे सिंक्रोनस मोटर की डिजाइन और अल्टरनेटर की डिजाइन एकदम एक जैसी होती है। तो अगर सिंक्रोनस मोटर को जनरेटर के रूप में यूज करते हैं तो उसे बोलता जाता है अल्टरनेटर। तो सिंक्रोनस मोटर और किसके समान होता है, अल्टरनेटर के समान होता है। अगला क्वेश्चन तो है, मुख्य पोल रोटर का उपयोग उच्च गति टर्बो वैकल्पिक के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि। अब दोस्तों पूछ रहा है कि मुख्य पोल रोटर का, तो दोस्तों जो मुख्य पोल जो रोटर है इसमें ये लगभग ऐसे होता है, तो अगर इसको हाई स्पीड में यूज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो अपकेंद्रीय बल लगता है और तो इसको नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर आपका, और ये नुकसान हो जाएगा वेंडेज नुकसान। तो यहाँ पर बी और सी ऑप्शन दोनों हो जाएगा आपका 58 का डी, बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है अल्टरनेटर में स्लिप रिंग की संख्या, पर्ची छल्ले मतलब स्लिप रिंग की संख्या। तो अल्टरनेटर में जो स्लिप रिंग होती है हमेशा कितनी होती है, दो होती है, क्योंकि अल्टरनेटर में सामान्यतः कौन घूमता है, फील्ड घूमती है, और फील्ड में कनेक्शन कितना होता है, दो ही सिरे निकले होते हैं, तो इसमें कितनी स्लिप लगती हैं, दो। अगर यहीं पर दे दे कि आर्मेचर घूमने वाला है, तो आर्मेचर में अल्टरनेटर में या तो तीन तार निकलेंगे बाहर या चार, तो तीन इस निकलते हैं, निकलते हैं डेल्टा में, तो यहाँ पर तीन स्लिप रहेंगे, और यही स्टार कनेक्टर रहेगा तो क्या लगेंगी, चार स्लिप रिंग। लेकिन सामान्यतः अल्टरनेटर की फील्ड घूमती है, इसीलिए यहाँ पर कितनी स्लिप रिंग लगेगी, दो। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यूनिटी पावर फैक्टर पर एक वैकल्पिक के मुख्य क्षेत्र का प्रभाव पर आर्मेचर प्रक्रिया का प्रभाव होगा। तो दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर पर चाहे अल्टरनेटर हो या सिंक्रोनस मोटर हो, उसका जो आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्रॉस क्रॉस चुंबकत्व तो होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। यूनिटी पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर दोनों में कैसा आर्मेचर रिएक्शन प्रभाव होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि एक वैकल्पिक की गति आधे से कम हो जाती है तो उसमें उत्पन्न ईएमएफ हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर की गति तो आधी हो जाएगी, तो ईएमएफ जो होता है ईबी या ईजी, ये होता है पी फाई एन जेड अपॉन 60A। तो अगर स्पीड आधी हो गई तो इसकी इंटू इंडिविजुअल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, आई का आधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीन चरण डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज गुना चरण वोल्टेज है। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्टर में इस क्वेश्चन को कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, देखिए ये डेल्टा कनेक्शन है और ये आपका स्टार कनेक्शन। इसमें मैं आपको ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, डेल्टा में आपको वी दिखता है तो बस आपको लिखना क्या है, वी एल बराबर वी पी और आई एल बराबर आई पी। यहाँ पर भी लिख देना आपको वी एल बराबर वी पी और आई एल बराबर आई पी। तो दोस्तों देखिए इसमें वी दिख रहा है तो वी वाले को घेर दीजिए, आपका ये फार्मूला बन के तैयार। अब इसमें देखिए आई दिख रहा है तो आई वाले को घेर कर दीजिए, इसमें आपका फार्मूला। तो डेल्टा कनेक्शन में वी एल और वी पी बराबर होते हैं, मतलब कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है। अब बचा इसमें लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज संबंध, तो यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आप √3 से मल्टीप्लाई करिए। तो लाइन वोल्टेज पूछ रहा है डेल्टा में, तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी एक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर सर्किट में मूल हानि को किस रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफार्मर सर्किट में मूल हानि को शंट प्रतिरोध के रूप में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर तेल से मुक्त होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पूछा ट्रांसफार्मर तेल किससे मुक्त होना चाहिए, तो दोस्तों ट्रांसफार्मर जो तेल होता है वो नमी से मुक्त होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी पानी का मात्रा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर में प्रेरित प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रेरित प्रतिक्रिया निर्भर करती है, रिसाव प्रभाव पर निर्भर करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप में होंगे यदि घुमाव के कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होगा। तो दोस्तों अगर कुछ हिस्सों में लघु परिपथ होगा तो जो परीक्षण लैंप होता है, जो टेस्टिंग लैंप होता है, वो धीमा जलता है, तो मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, पैरामित्र के लिए स्वासी में प्रयुक्त रसायन की गुणवत्ता होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्वासी मतलब ब्रीदर होता है, ब्रीदर में जो हमारी पदार्थ प्रयोग होता है वो सिलिका जेल होती है, तो सिलिका जेल गुणों चाहिए को नमी क्या करते हैं, सोखती है, तो यहाँ पर हो जाएगा अवशोषी आर्द्रता, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामित्रों का परीक्षण नहीं है। तो पैरामित्रों का परीक्षण नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर पैरामित्रों का परीक्षण जो नहीं है, वहाँ पर आपका आंसर है सी, रेडियो व्यतिकरण परीक्षण, जो ये
आपके ट्रांसफार्मर का परीक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घूर्णीय स्टेटर क्षेत्र और रोटर के बीच की गति को अंतर को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ns माइनस nr की अंतर को कहा जाता है स्लिप। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश और स्विचन के कारण उच्च वोल्टता तरंगों के विपरीत निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, जो सर्ज होते हैं, जो लाइट लाइट गिरती है, बिजली गिरती है, तो ट्रांसफार्मर पे एक आर्कन हार्क लगा होता है, उसी से एक वायर आकर कहाँ चला जाता है, अर्थ में। तो जो बिजली गिरती है तो वहाँ कही जाते हैं ज़मीन में, तो उससे सुरक्षा कौन करता है, प्रकाश और स्विचन के कारण, आर्कन हार्न या हॉर्न अंतराल जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक परिणामित्र की क्रोड में प्रवाह उसको भौतिक रूप से विस्तारित करता है और प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव के साथ थोड़ा संकुचित करता है, इस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इस प्रभाव को हम लोग जानते हैं चुंबकीय विरूपण के नाम से। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डी, चुंबकीय विरूपण के नाम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा परिणामित्र पर उपयुक्त नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से पूछा कि इनमें से कौन ट्रांसफार्मर में नहीं लगा होता। तो जो हमारा दिक परिवर्तक होता है जिसे बोलते हैं कम्यूटेटर, वो ट्रांसफार्मर में नहीं लगा होता है। बाकी सब ये सब स्वांसी मतलब ब्रीदर, बुकोल्ज रिले और कंजर्वेटर क्या लगते हैं, ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भार स्थितियों के तहत दो समान परिणामित्रों की दक्षता को द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो दो समान परिणामित्र दोस्तों हम यूज करते हैं बैक टू बैक टेस्ट में। बैक टू बैक में दो समान आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरण मोटर में घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति के रूप में जाना जाता है। तो घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र की गति को किस रूप से जानते हैं दोस्तों, तुल्यकालिक गति के नाम से जानते हैं। मतलब जिस स्पीड से चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसी को हम लोग बोलते हैं तुल्यकालिक गति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि एकल कला मोटर का संधारित्र लघु परिपथ है तो मोटर। तो दोस्तों यहाँ पर सिंगल फेज मोटर का अगर जो कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किट है तो क्या होगा। तो सिंगल फेज मोटर का शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर हो जाएगा तो मोटर स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो कैपेसिटर होता है वही स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करता है, तो यह प्रारंभ नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र के प्रारंभ में और मोटर को चलाने में सहायक घुमावों के साथ श्रेणी में चल रहे संधारित्र का कार्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर संधारित्र का कार्य होता है शक्ति घटक को सुधारना, अर्थात पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध प्रारंभ मोटर की शुरुआत के दौरान अपकेंद्रीय स्विच करता है जब मोटर की गति नहीं पकड़ती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रारंभ घुमावों को बंद और संयोजित करता है जब मोटर गति नहीं पकड़ती है। तो यहाँ पर प्रारंभ घुमाओं को बंद और मतलब प्रारंभिक जो उसी को स्टार्ट करता है और बंद करता है, मतलब बंद करता है और स्टार्ट करता है। तो अगला इसका क्वेश्चन है दोस्तों, एक हिस्टेसिस मोटर के सिद्धांत पर काम करती है। दोस्तों जो हिस्टेसिस मोटर है वो किसके सिद्धांत पर काम करती है, आपका हिस्टेसिस हानि के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो हिस्टेसिस हानि को ही बोलते हैं शैथिल्य हानि। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, शैथिल्य हानि। अगला, एक प्रेरण मोटर में एक स्टेटर कुंडली आमतौर पर से निर्मित होती है। तो जो स्टेटर कुंडली होती है दोस्तों आमतौर पर बनती है आपका कापर से। कोई भी जो वाइंडिंग होती है वो किसी बनी होती है कापर से, चाहे स्टेटर वाइंडिंग हो चाहे रोटर वाइंडिंग। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हिस्टेसिस मोटर होती है वो यांत्रिक और चुंबकीय कंपनों से क्या होती है, मुक्त होती है, और ये चलती है तो शोर नहीं करती है, इसीलिए हिस्टेसिस मोटर का उपयोग हम लोग रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। अगला है, एक यूनिवर्सल मोटर की गति लोड विशेषता किसके समान होती है। तो यूनिवर्सल मोटर दोस्तों, तो यूनिवर्सल मोटर कुछ नहीं होता, एक एसी सीरीज मोटर होता है, तो ये डीसी सीरीज मोटर के समान होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सा है। तो दोस्तों कंप्रेसर के लिए, तो कंप्रेसर के लिए प्रयुक्त मोटर होता है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर में पूर्ण लोड गति 1440 RPM, तो मोटर के में पोल की संख्या है, तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है पोल की संख्या, तो एन बराबर होता है 120 या बाई पी, तो पी बराबर हो जाएगा आपका 120 गुणे या 50, और एन नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1440। ये 1440 आपके रोटर की स्पीड है, तो आपका मान लीजिए कि इस फ्लक्स की स्पीड 1500 RPM हो गई, तो 50 3 15, तो 3 चौके 50 3। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन सही से करिए, यहाँ पर पी इक्वल टू 120 एफ अपान एन, तो यहाँ पर 120 एफ कितना हो जाएगा 50, और एन एस निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1500 RPM, तो 1500 से घटाएंगे ये 5 3 15, 30 नीचे आ गया 0, 3 चौके 12, आपका हो जाएगा 4 पोल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रेरण मोटर में क्रॉलिंग किसके कारण होती है? दोस्तों क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, तो ये क्रॉलिंग किसके कारण होती है, मतलब इसमें होता है कि आपके जो मोटर की स्पीड होती है वो अपने रेटेड स्पीड का 1/7 स्पीड से घूमने लगती है, तो ये क्रॉलिंग होती है मोटर में हार्मोनिक के कारण, तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा सी। अगला है दोस्तों, 3 फेज स्क्वायर केज मोटर में, प्रेरण मोटर में रोटर कंडक्टरों को, तो दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर केज मोटर पूछ रहा है, तो स्क्वायर केज में क्या होता है, इसकी इंड रिंग से क्या करते हैं, रोटर को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, इंड रिंग माध्यम से शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि रोटर से स्टेटर स्लॉट के कुछ अनुपात के साथ प्रेरण मोटर समान गति से 1/7 पर चलता है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, तो समान गति के 1/7 इसी पर चलना, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं क्रॉलिंग। कभी कभी दोस्तों कॉगिंग भी पूछता है, तो कॉगिंग मतलब होता है जाम होना, तो जब मोटर क्या हो जाती है, जाम हो जाती है, तो ये स्टार्ट ही नहीं होती, चलती ही नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग। लेकिन क्रॉलिंग क्या है, 1/7 स्पीड पर चलती है, क्रॉलिंग मतलब रेंगना, रेंगती रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक प्रेरण मोटर की निश्चल स्थिति में स्लिप का मान कितना होगा? तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि स्थिर कंडीशन स्लिप का मान, तो स्थिर कंडीशन स्लिप का मान कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि यस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपान एन एस, तो ये 0 हो जाएगा, तो एन एस अपान एन एस कितना हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रेरण मोटर किसके सदृश होता है? तो दोस्तों जो इंडक्शन मोटर है वो ट्रांसफार्मर के समतुल्य होता है, इसके भी इसका स्टेटर प्राइमरी की भांति काम करता है और रोटर सेकेंडरी की भांति, लेकिन एक ऐसे ट्रांसफार्मर के समतुल्य होता है जिसकी सेकेंडरी क्या हो, शॉर्ट सर्किट होती है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मिक्सचर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर यूज किया जाता है? तो दोस्तों मिक्सचर में आपका यूज होता है यूनिवर्सल मोटर, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी को ही बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एसी सीरीज मोटर में प्रतिकारी वाइंडिंग किस लिए लगाई जाती है? तो एसी सीरीज मोटर में जो प्रतिकारी वाइंडिंग होती है वो लगाई जाती है आपकी आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए, और ब्रशेज पर जो सब स्पार्किंग होती है उसे भी कम करने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर का आर्मेचर किस लिए लेमिनेटेड होता है? तो दोस्तों आर्मेचर को लेमिनेट करने का रीज़न होता है ईडी करंट लॉसेस को कम करना, तो यहाँ पर हो जाएगा ईडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए सिर्फ आर्मेचर को लेमिनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 पोल लैप वाइंडिंग के समांतर पथों की संख्या क्या हो जाएगी? तो यहाँ पर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 पोल है, तो 4 × 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएगी समांतर पथों की संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए आरेख में निम्नलिखित से कौन सी वाइंडिंग दर्शाई गई है? तो दोस्तों यहाँ पर जो वाइंडिंग दर्शाई गई है सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग दर्शाई गई है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनरेटर में डमी कॉयल प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो जनरेटर में डमी कॉयल लगाते हैं, ये लगाते हैं आपका वेव वाइंडिंग में, तो ये करता क्या है, रोटर को मैकेनिकली बैलेंस प्रदान करता है, तो आपका हो जाएगा रोटर को यांत्रिक संतुलन प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है?
तो दोस्तों जो बैक ईएमएफ होता है डीसी मोटर का, ईबी बराबर होता है पी फाई एन जेड अपान 60 है। पी पोल की संख्या, फाई प्रति पोल फ्लक्स, जेड आर्मेचर कंडक्टर की संख्या, और ये आर समांतर आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, मतलब कि इन सभी पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक सेडेड पोल मोटर में सेडिंग कॉयल का उपयोग किस लिए करते हैं? दोस्तों सेडेड पोल मोटर में सेडिंग कॉयल का उपयोग घूर्णीय चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए ही किया जाता है। अगला दोस्तों देखते हैं, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर कम्यूटेटर की सफाई करने कार्बन टेट्रा क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डाइवर्टर बल्ब्स का व्यापक रूप से उपयोग उन व्यावसायिक एप्लीकेशन के लिए एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है जिसमें रासायनिक विनिर्माण और प्रसंस्करण, कूलेंट, चिकित्सा और दवा सेवाएं, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रसंस्करण, इन सब। तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग इन सभी में करते हैं, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक लैप वाइंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर संख्या 100 और समांतर पथों की संख्या 10 है, औसत पिच ज्ञात कीजिए। तो औसत पिच होता है कंडक्टर की संख्या बटे में समांतर पथों की संख्या, तो 100 बटे में 10 कितना हो जाएगा आपका 10, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी 10। तो दोस्तों जो इस राजस्थान का जो पेपर है इसमें आपका टोटल 100 टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं जो कितने नंबर के होते हैं 2 नंबर के, और 50 नॉन टेक के आते हैं जो कितने के होते हैं 1 नंबर के। तो आपका टेक्निकल पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका पेपर का पूरा 100 क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, 50 क्वेश्चन इससे पिछले पार्ट में और 50 क्वेश्चन इस पार्ट में। तो अगर आपने पिछली वीडियो को भी नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखें, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर कोई कमी हो तो बताएं जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।